राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर सोमवार की सुबह दो चार पहिया वाहनों की सीधी भिड़ंत में हुए दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के पिता, पुत्र, मां सहित पौत्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन में सवार एक संत की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाले यादव परिवार के सदस्य वैगन आर गाड़ी में गुना से इंदौर जा रहे थे। वहीं दूसरी इनोवा कार में औरंगाबाद महाराष्ट्र से महंत सोमेश्वर गिरी, महंत अनंत गिरी महाराज अपने दो साथियों एवं एक बच्चे के साथ लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान सारंगपुर के समीप गोपालपुरा में हाईवे पर सीधी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में इंदौर भागीरथपुरा निवासी शैलेश यादव, मां सिया दुलारी यादव, पुत्र मोहित यादव एवं दूसरे वाहन में सवार महंत अनंत गिरी महाराज की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि अस्पताल पहुंचने के बाद मृतक शैलेश के पिता अमर सिंह यादव, उनकी भी मौत हो गई है। घटना में वैगनार में सवार सुनील यादव को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है, जबकि इनोवा सवार महंत सोमेश्वर गिरी, चालक सार्थक पिता प्रकाश बाघ 22 वर्ष, अभिषेक पिता कलम 19 वर्ष और कैलाश 14 वर्ष सभी निवासी बड़ोड बाजार औरंगाबाद को गंभीर अवस्था में सारंगपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती एवं उनकी टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायलों एवं मृतकों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया।